Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. So hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. तो guys, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं. तो दोस्तों, यह है आप लोगों का the all new 2021 डुकाटी हाइपर मोटर 950. दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं, डुकाटी जो है वो इटली का ब्रांड है एंड ग्लोबली एक काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत सारी कंट्रियों में बहुत सारी गाड़ियाँ हर साल बेचती है. एंड दोस्तों, ये कंपनी जानी जाती है अपनी स्पोर्ट्स बाइक की वजह से. एंड दोस्तों, इंडिया में भी इसके काफ़ी सारे बाइक सेल होते हैं, काफ़ी सारे फेमस है डुकाटी. आज हम लोग इस वीडियो में डुकाटी के दोस्तों हाइपर मोटर 950 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 28 मई को अनवील किया गया था. ये दोस्तों इसको लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन है, आप लोग कह सकते हैं. सारे अपडेट आप लोगों को जो भी दिए गए हैं 2021 में, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेली बोलने वाला हूँ. वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड गाइस पहली बार के लिए आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पर देख सकें. तो बेसिकली आप लोगों का जो 2021 का हाइपर मोटर 950 है, उसमें दोस्तों आप लोगों को BS6 इंजन आप प्रोवाइड की जाती है, या फिर Euro 5 आप लोग कह सकते हैं. इसमें आप लोगों को जो इंजन रहता है वो आप लोगों का 937 सीसी का इंजन रहता है, V-twin इंजन जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है 114 HP का पावर एट 98 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है. तो बेसिकली आप लोगों को पता चल गया होगा, इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है. यह इंजन आप लोगों को पहले भी मिलता था, यही इंजन आप लोगों को फिर से दिया गया है 2021 में. एंड दोस्तों, हाइपर मोटर 950 RV एंड हाइपर मोटर 950 SP तीनों ही मॉडल्स में इस गाड़ी के यही इंजन मिलता है एंड सेम गियरबॉक्स आप लोगों को तीनों ही मॉडल में देखने को मिलेगा. तो बेसिकली पावर एंड टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं किया गया है. एंड दोस्तों, जो आप लोगों का डुकाटी है उसमें आप लोगों को माइनर चेंजेस किया गया है इस बार गियरबॉक्स में. डुकाटी हाइपर मोटर 950 में इसमें दोस्तों आप लोगों का जो गियरबॉक्स है, इसमें जो अपडेट किया गया है, जिस वजह से आप लोगों को अभी न्यूट्रल एंगेज करने में इजी होगा. जो अब आप लोगों की गाड़ी खड़ी है, स्टैंड स्टिल है, यही अपडेट आप लोगों को डुकाटी मॉन्स्टर एंड सुपर स्पोर्ट 950 में भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों का गियरबॉक्स ड्रम जो है उसे यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बियरिंग के अंदर. इसके साथ साथ डुकाटी हाइपर मोटर 950 में आप लोगों को लोड ऐड किया गया है गियर लेवल स्प्रिंग पे, जिस वजह से ये आप लोगों को हेल्प करेगा फॉल्स न्यूट्रल जाने में. कभी कभी न्यूट्रल जो था इस गाड़ी में फॉल्स चले जाता था, जिस वजह से इसे प्रिवेंट करने के लिए गाड़ी की गियर लेवल स्प्रिंग में लोड ऐड किया गया है. एंड दोस्तों, जो डुकाटी हाइपर मोटर 950 SP है, जो इसका टॉप मॉडल है, उसमें दोस्तों आप लोगों को एक न्यू पेंट स्कीम देखने को मिलेगा, जो कि इंस्पायर्ड है कंपनी के MotoGP रेस मशीन से. बाकी सब सेम रहता है आप लोगों का हाइपर मोटर 950 SP में, बस इसमें आप लोगों को ऑलसिन सस्पेंशन एंड साथ ही साथ मर्चेंसी व्हील्स प्रोवाइड की गई है. जो आप लोगों का स्टैंडर्ड वेरियंट रहता है मोटर 950 एंड मोटर 950 RV, उसमें आप लोगों को मार्जो की फुल्ली एडजस्टेबल 45mm USD फ्रॉक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है गाड़ी के फ्रंट में. एंड गाड़ी के रियर में आप लोगों को सचेस एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी के रियर में. दोस्तों, गाड़ी की जो कर्व वेट है वो आप लोगों का मोटर 950 एंड मोटर 950 RV में 200 kg है. एंड आप लोगों का जो मोटर 950 SP है, उस पर कर्व वेट है 198 kg.
इसके साथ साथ अगर सीट हाइट की बात करें तो दोस्तों जो आप लोगों का हाइपर मोटेयर 950 है एंड मोटेयर 950 आरवी है, दोनों में ही आप लोगों को 870 एमएम का सीट हाइट देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों का जो सबसे टॉप मॉडल हाइपर मोटेयर 950 एसपी है, उस पर आप लोगों को 890 एमएम का सीट हाइट देखने को मिलेगा। हाइपर मोटेयर 950 एसपी में आप लोगों को बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली ये गाड़ी जो है ये आप लोगों को नेक्स्ट मंथ यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें इसे इसी साल ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इसे लॉन्च किया जाए, यानी कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के महीने के आसपास ये गाड़ी जो है आप लोगों को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस ये देखना बाकी है कि तीनों मॉडल आते हैं या सिर्फ कोई एक मॉडल लॉन्च करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके तीनों मॉडल डिलीवर किए गए थे। अब यही देखना बाकी है कि कौन से मॉडल इंडिया में आते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बता दूँ, तो तकरीबन 15 लाख के आसपास जो है आप लोग इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब इस वीडियो का एंड करने का वक्त आ चुका है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी एंड इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। एंड इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी का रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। मैं उस गाड़ी की रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में डाल दूंगा। तो फाइनली गाइस अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आप लोग आगे भी हर चैनल में हमारे चैनल पर देख सकें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।